कोई मिनिस्टर आता है जो पूरा खराब रास्ता रहता है वो एक रात में ठीक हो जाता है। अमेरिका है वो ऐसा है, अमेरिका जैसा तो नहीं होगा ये पता है हम लोग, लेकिन हम लोग करने के लिए मतलब ट्राई कर सकते हैं। दो तरीके के लोग अभी इस टाइम में इंडिया में है, एक जो किसी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए रुक रहे हैं और एक जिनके पास स्किल सेट नहीं है। गुवाहाटी का जो क्या डेवलपमेंट वो अच्छा नहीं है, बाहर जैसा जो हो गया गुवाहाटी जैसा होना चाहिए ऐसा नहीं है। इलेक्शन का इस बार का जो मतलब मेन मोटिव है वो शायद प्रोबेबली रिलीजियस मैटर भी हो सकता है या फिर एजुकेशन के लिए जो मतलब स्टेप्स ले रहे हैं वो बेसिस में भी हो सकता है। डेमोक्रेसी है वो सबका सरकार होना चाहिए, सब अपनी बात बोल सके, क्योंकि बड़े बड़े फ्लाईओवर और ब्रिजेस तो बनते रहेंगे, वो जो चमक चल रही है वो सब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं बोलते। असम के गुवाहाटी शहर में यहाँ पर लोगों से जानेंगे कि क्या है उनका मुद्दा लोकसभा 2024 के चुनाव में वोट करने का। स्टे ट्यून्ड। इस बार जो इलेक्शन है इलेक्शन का मेन इशू क्या है? इलेक्शन का मेन इशू अगर हम लोग देखने जाए तो मेन इशू अगर हम शुरुआत करें तो पहला से एम्प्लॉयमेंट से होगा। एम्प्लॉयमेंट अभी इस टाइम में अगर हम लोग देखने जाए तो इंडिया में जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो बहुत कम है। मैं चाहती हूँ कि जो स्टूडेंट्स की बेसिक इश्यूज है उसपे थोड़ा ध्यान देना चाहिए, लाइक हमारे जो कॉलेज या विश्वविद्यालय की जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसपे ध्यान जाना चाहिए। लोगों के पास नौकरी नहीं है, नौकरी ढूंढते हुए परेशान हो जाते हैं। सब सही है, बहुत दिया है सब अभी तक अब तक, लेकिन और सही है बहुत, मतलब जो आसाम इसमें निबोनवा बोलता है इसका जॉब नहीं है, उन लोगों को जॉब चाहिए। आज आप देखिए रोड इश्यूज, फिर फ्लड की इश्यूज देख सकते हैं आप, वाटर कंस्ट्रक्शन, ड्रेनेज सिस्टम बहुत खराब है। एम्प्लॉयमेंट कम इसलिए है क्योंकि दो तरीके के लोग अभी इस टाइम में इंडिया में है, एक जो किसी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए रुक रहे हैं और एक जिनके पास स्किल सेट नहीं है। मेरे हिसाब से इलेक्शन का इस बार का जो मतलब मेन मोटिव है वो शायद प्रोबेबली रिलीजियस मैटर भी हो सकता है या फिर एजुकेशन के लिए जो मतलब स्टेप्स ले रहे हैं वो बेसिस में भी हो सकता है। दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो गुवाहाटी का जो क्या डेवलपमेंट वो अच्छा नहीं है, मैं बाहर जैसा जो हो गया गुवाहाटी जैसा होना चाहिए ऐसा नहीं है। लोगों को जो सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है वो है महंगाई। डेमोक्रेसी है वो सबका सरकार होना चाहिए, सब अपनी बात बोल सके, जो प्रेशर है प्रेस मीडिया पे हो या फिर जो भी कुछ सशक्तिकरण के लिए है उस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े फ्लाईओवर और ब्रिजेस तो बनते रहेंगे, वो जो चमक चल रही है वो सब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं बोलते। आज के सरकार के मुद्दे पर अगर मैं बात करूं तो डेवलपमेंट सिर्फ डिफाइन किया जा रहा है आपका फ्लाईओवर से, ब्रिजेस से, क्या वही सही में डेवलपमेंट है? ऑफकोर्स नहीं। गांव के अंदर जहाँ हॉस्पिटल्स नहीं है, जहाँ दूर दूर 30-40 किलोमीटर तक डिस्पेंसरीज नहीं है, जहाँ एम्बुलेंस की सहायता नहीं मिलती, वहाँ में हॉस्पिटल्स लेना, वहाँ में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का इम्प्रूव करना। कोई मिनिस्टर आता है जो पूरा खराब रास्ता रहता है वो एक रात में ठीक हो जाता है, तो वही चीज सालों साल क्यों लग रहा है? ऐसा कोई देखने से ऐसा गया वाह ये गुवाहाटी है, बाहर से भी लोग आएगा देखने के लिए ये है गुवाहाटी में, ये है वो है ऐसा है। और तीसरा मुद्दा है कि जो भेदभाव अभी हम लोग देखते हैं, कोई कोई रिलीजन्स धर्म के ऊपर भेदभाव करते हैं, कोई कोई जाति के नाम पे भेदभाव करते हैं, कोई कोई भाषा के नाम पे भेदभाव करते हैं। मेरे एरिया में गार्बेज प्रॉब्लम्स है, ट्रैफिक प्रॉब्लम्स है, फिर रोड कंस्ट्रक्शन का प्रॉब्लम चल रहा है, सो आई गेस वो ही इश्यूज है जो अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट को ज़्यादा फोकस में लेना चाहिए। मेरा एरिया है नारंगी पाथरगढ़ की तरफ से, वहाँ पे क्या होता है बीच में ठीक कर लेता, आधा ठीक करता है, पूरा भी नहीं, सो सेमी कंस्ट्रक्शन जो हम लोग सेमी कंस्ट्रक्शन होता है। अमेरिका है वो ऐसा है, अमेरिका जैसा तो नहीं होगा ये पता है हम लोग, लेकिन हम लोग करने के लिए मतलब ट्राई कर सकते हैं। तो ये थी गुवाहाटी के जनता के मन की बात। ऐसी और स्टोरीज देखने के लिए न्यूज प्लस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।